हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। काफी टाइम बाद मैं कोई हॉल वीडियो कर रही हूँ और मैंने आप लोग को बताया था कि नए घर के किचन के लिए मोस्टली ऑर्गेनाइज करने के लिए मैंने काफ़ी सारा कुछ अमेजोन से ऑर्डर किया। तो मोस्टली तो अमेजोन के ही प्रोडक्ट्स हैं, कुछ मैंने कॉस्को से लिए हैं और कुछ डॉलर स्टोर से। और जो मैंने कॉस्को और डॉलर स्टोर से लिया ना, वो भी अमेजोन पे अवेलेबल है। तो जितने भी प्रोडक्ट्स के लिंक्स मुझे मिलेंगे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, और इस बारी मैं याद से डाल दूंगी, हर बारी भूल जाती हूँ, ताकि आप लोग भी चेक कर सको। और नए घर में पैंट्री भी है, इसलिए मैंने सोचा है कि अच्छे से ऑर्गेनाइज करेंगे। और पैकेट एक भी मैं इस बारी नहीं रखने वाली हूँ, जो कुछ भी आएगा सीधे डब्बे में जाएगा। काफी सारे डिफरेंट तरह के ऑर्गेनाइजर्स लिए मैंने, तो चलिए बातें कम करते हैं और आप लोगों को फटाफट से दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या लिया है। सबसे पहले मैं आप लोगों को अमेजोन के प्रोडक्ट्स दिखा देती हूँ, और ये है मेरा फेवरेट लेजी सुजन टर्न टेबल। इसको डिफरेंट वे से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो, डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो कि केचप डाल दिया, अचार डाल दिया, या फिर छोटी कोई कटोरी रखनी है वो आपने रख दिया, या फिर डेकोरेट भी कर सकते हो। इसके ऊपर वास रखो, छोटा सा एक कैंडल रखो, स्पून फोक ये सब रख के भी डेकोरेट कर सकते हो। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इसको हम अपने कैबिनेट में यूज कर सकते हैं, स्पाइस ऑर्गेनाइज करने के लिए, डिफरेंट सॉस के बॉटल्स ऑर्गेनाइज करने के लिए, और ये बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफुल लग रहा है। अमेजोन में ये काफी सारे डिफरेंट स्टाइल में अवेलेबल है, मार्बल में भी है, वो भी देख के अच्छा लग रहा था। और इसमें टू टियर का भी ऑप्शन अवेलेबल है, अगर ज्यादा स्पाइस आपको ऑर्गेनाइज करना है तो आप वो यूज कर सकते हो। मैंने सोचा है कि मैं पहले ऑर्गेनाइज करके देख लूंगी, अगर मुझे लगा कि जरूरत है तो नेक्स्ट टाइम टू टियर वाला ऑर्गेनाइज करूंगी और इसको डाइनिंग टेबल पे या फिर किचन आइलैंड पे यूज कर लूंगी। मुझे वुडन वाला ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि मैंने सोचा है कि इस बारी घर में एक जो ब्राउन कलर का जो इफेक्ट होता है ना, एक जो अर्थली फीलिंग आती है होम डेकोर में, वो चीज क्रिएट करने की कोशिश करूंगी। ये मैं डेफिनेटली रिकमेंड करूंगी, आप लोग चेक जरूर करना। और इन केस यूज करते करते ये लूज हो जाता है तो यहाँ पे स्क्रू है जिसको कि हम टाइट कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात है। एक और स्पाइस ऑर्गेनाइजर लिया मैंने, ये तो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, आपको हर जगह मिल जाएगा। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वीडियो देखोगे आप तो ये तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये सबसे कम प्राइस में था तो मैंने यही लिया अभी के लिए, बट इसमें डिफरेंट स्टाइल्स अवेलेबल हैं। इसी तरह के वुड कलर का भी अवेलेबल है, टू टियर में अवेलेबल है, फिर आप फ्लेक्सिबल भी होते हैं, आप उसको छोटा बड़ा कर सकते हो। मुझे वो चीज बहुत अच्छी लगी, बट अभी के लिए मुझे वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगा, इसलिए मैंने सोचा कि वैसे भी पैंट्री के अंदर ही रखना है मुझे, तो अभी के लिए ये ठीक है। बट अगर आपको बाहर डेकोरेट करके रखना है तो आप वो सारी चीजें ऑप्शंस जरूर चेक करना, मैं वो भी लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, क्योंकि वो मुझे बहुत ज्यादा हेल्पफुल लगा, जो कि स्ट्रेच करके आप छोटा बड़ा कर सकते हो अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। किचन के सिंक में हैंड वॉश और सोप वॉश रखा होता है, जो कि उतना ज्यादा ब्यूटिफुल नहीं लगता अगर हम सेम सोप कंटेनर में रखते हैं। तो मुझे इस तरह के बॉटल्स के सेट मिले जो कि बहुत ही ज्यादा स्टाइलिश लग रहे थे। मैंने एक वीडियो में देखा था और वहीं से मैंने अमेजोन में सर्च किया, बहुत ज्यादा स्टाइलिश है इस तरह का इसमें, और कैप के लिए इस तरह का पंप स्टाइल है। तो इसको आप सोप डिस्पेंसर की तरह यूज कर सकते हो, या फिर जो डिश वॉशर लिक्विड है वो डाल के रख सकते हो। तो वॉशरूम में भी यूज हो सकता है, किचन के सिंक में भी यूज हो सकता है। छोटे से एक ट्रे पे ऑर्गेनाइज करके रखो इसे, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल भी होगा और बहुत सुंदर लगेगा, बहुत स्टाइलिश लगेगा। मैंने चार का सेट लिया है, वैसे इसमें 6, 8 ऐसे डिफरेंट नंबर्स ऑफ बॉटल्स वाले सेट्स अवेलेबल हैं। मेसन जार और डिफरेंट बॉटल्स तो हम ऑर्गेनाइज करते हैं, बट सबसे इम्पॉर्टेंट होता है लेबल्स, और लेबल्स अगर ब्यूटिफुली लगाया जाए तो वो बॉटल्स की, मेसन जार की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ा देता है। आपका जो भी ऑर्गेनाइजेशन का कॉर्नर है, काउंटर है या पैंट्री है, वो और भी ज्यादा निखर के आता है, ब्यूटिफुल लगता है और इजी टू एक्सेस होता है, कि कोई दूसरा पर्सन भी आएगा आपके किचन में तो वो इजिली चीजों को ढूंढ सकता है। उसके लिए मैंने ये स्टिकर्स मंगवाए हैं और साथ में ही चॉकबोर्ड पेन भी है। वैसे तो नॉर्मल जो पेपर लेबल्स होते हैं वो भी मैं यूज करने वाली हूँ, बट ये बहुत ही सही प्राइस में मुझे मिल रहा था। इसमें 12 शीट्स हैं और डिफरेंट तरह के शेप्स हैं, जो कि बहुत अच्छा लगा मुझे, तो इसलिए मैंने ये ले लिया। और टाइम टू टाइम जैसे आप बॉटल चेंज करते हो तो इरेज इजिली हो जाता है जो चॉकबोर्ड पेन होते हैं, तो आप इरेज करके डिफरेंट नाम भी लिख सकते हो। तो ये लिया मैंने, ये अभी तक मैंने यूज नहीं किया है। ये जो चॉक मार्कर्स होते हैं ना, ये कभी भी डॉलर स्टोर से, डॉलर ट्री से मत लेना, मैंने एक दो बारी लिया है, वो बिल्कुल अच्छे नहीं होते।
एक बार भी अच्छे से नहीं लिख पाते हैं। तो या तो माइकल से लेना या फिर अमेजोन से। वैसे इसको मैंने अभी ट्राई नहीं किया, जब मैं ट्राई करूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी कि इसकी क्वालिटी कैसी है। नेक्स्ट मैंने इस तरह के कुछ जार्स लिए हैं। वैसे तो मेसन जार मैं लूंगी, वो तो सेट में मिल जाता है, वॉलमार्ट में काफी बढ़िया प्राइस में मिल जाता है, कनेडियन टायर में भी कभी कभी सेल लगती है, बहुत अच्छे प्राइस में मिल जाता है, तो वो मैं बाद में लूंगी। बट इस तरह के जो जार्स है ना, वो बहुत ज्यादा स्टाइलिश लगते हैं, बहुत ज्यादा ट्रेंडी भी हैं, तो डिफरेंट शेप में लिया मैंने ये। मैंने अमेजोन से नहीं लिया, ये तो डॉलर स्टोर से लिया है, बट अमेजोन पे भी ये अवेलेबल है। और ये वुडन वाले ढक्कन है ना, तो काफी एयर टाइट है। मेरी फ्रेंड भी यूज करती है, उसको डॉलर स्टोर से ही लिया था, उसने पूरा स्पाइस अपना इसी में ऑर्गेनाइज किया था और काफी अच्छा रिव्यू है इसका। इस तरह का एयर टाइट हो जाता है और इजीली खोलो बंद करो। वो ढक्कन वाला जो होता है ना, वो थोड़ा जल्दी जल्दी में काम कर रहे हो तो वो लगता है कि टाइम वेस्ट हो रहा है, तो ये ढक्कन वाला बड़ा इजी होता है कि फटाफट से खोलो और लगा लो। वैसे स्पाइस ऑर्गेनाइज करने के लिए जो हमारा ट्रेडिशनल मसाला डब्बा है वो मुझे नहीं मिला, तो फाइनली इंडिया से मम्मी ने कुछ एक चीजें ऑर्डर करके पैक करके भेजने वाली हैं, तो मैंने उसमें एक डब्बा भी रखवा दिया है। मेरे पास था पहले, पर उसमें ना जंग लग गया, इसलिए अब मैं यूज नहीं करती हूँ। और आप लोग हमेशा बोलते हो कि सुची क्यों नहीं यूज करती स्टील का डब्बा, तो यही रीजन है, क्योंकि मुझे अच्छा मिल नहीं रहा था। और स्टील का होता है ना, वो ऑनलाइन प्रोडक्ट की क्वालिटी पता नहीं चलती, तो इसीलिए मैंने मम्मी को बोला कि उस बॉक्स में एक ये भी डाल देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सदियों से चला आ रहा है, बट एक्चुअली उससे ज्यादा यूजफुल कुछ नहीं होता जब भी आप जल्दी जल्दी में कुकिंग कर रहे हो कि सारे मसाले आपको एक जगह मिल जाते हैं। तो इस तरह का डिफरेंट साइजेस का लो ना, तो अच्छा लगता है जब आप ऑर्गेनाइज भी करते हो ना, सुंदर भी लगता है। और जैसे आपने पहले ये रखा पीछे और आगे ये रखा, तो दोनों में क्या है वो इजिली दिखेगा, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट मेसन जार लिया है मैंने सुपर स्टोर से, बहुत ही सही प्राइस में मिला, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल है, डिफरेंट कलर्स के थे, तो मैंने एक ये वाला लिया है। इसका भी ढक्कन बैम्बू वाला है और एयर टाइट है, बहुत प्रिटी लगा है मुझे, एक इस कलर का और दूसरा वाला मेरा फेवरेट येलो तो ये दो लिया है मैंने, काफी सारे डिफरेंट कलर्स थे, बट मैंने अपने आप को कंट्रोल किया। कंट्रोल बहुत मुश्किल होता है दोस्तों, कंट्रोल करना, स्पेशली किचन की चीजों में और होम डेकोर की चीजों में ना, मैं अपने आप को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। कपड़ों वपड़ों में तो चलता है, मैंने तो कपड़े लेना बिल्कुल छोड़ दिया, बंद करके रखा है कि नहीं अभी मुझे पैसे बचाने हैं। ओके, अमेजोन का प्रोडक्ट डन है, अब आते हैं कॉस्को, पति का फेवरेट ये प्रिटी प्रिटी किचन टॉवल्स। किचन टॉवल तो किचन में जितने भी हो जाए कम ही होते हैं, तो ये काफी प्रिटी हैं, प्योर कॉटन के हैं, तो इजीली वॉशेबल हैं, येलो और ब्लू के कॉम्बिनेशन में है, और सबसे प्यारा है ये वाला, है ना। तो ये है 6 का सेट, बट इस तरह के किचन टॉवल्स आपको अमेजोन पे भी इजीली मिल जाएंगे, और अगर आप कनाडा में हो तो JYS के भी ट्राई करना, वहां पे भी किचन टॉवल्स बहुत अच्छे बहुत बढ़िया प्राइस में मिल जाते हैं। ओके, सो नेक्स्ट आते हैं, ये वाला डब्बा तो मैंने अभी तक खोला भी नहीं है, कॉस्को में रखे होते हैं ना बाहर, तो वही देख के लिया था हमने। ये भी कंटेनर्स ही हैं, 9 का सेट है, डिफरेंट साइजेस में है, मुझे डिफरेंट साइजेस में ही चाहिए था, क्योंकि ना फिर ऑर्गेनाइज करो तो देखने में भी अच्छा लगता है और ढूंढना भी इजी होता है। एक निकाल के दिखा देती हूँ, अच्छे से पैक्ड है ना, तो फिर इसको नहीं खोलते हैं कि पूरा डब्बा ऐसे ही लेके चले जाएंगे, इजी होगा। इस तरह के ट्रांसपेरेंट डब्बे हैं, ये ग्लास के नहीं है, मेरी कोशिश तो रहती है ज्यादा से ज्यादा ग्लास ही लूं, बट सब कुछ ग्लास में नहीं रख सकते, तो ये ग्लास का नहीं है, बट कॉस्को का है तो अच्छा प्रोडक्ट होगा। और ये ऐसे ओपन है, रेक्टेंगल और स्क्वायर शेप में है, तो कोई भी चीजें डालनी हो ना बहुत इजी रहता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट है इसका एयर टाइट, ऐसे रखा डन, वो खोलने का या फिर साइड से जो खोलने का होता है ना, वो विथ टाइम लूज हो जाता है। और जो मैं सूजी बेसन ये सब के लिए अभी यूज करती हूँ ना, वो आइकिया से लिया था मैंने, तो उसका वैसे तो यूज हो जाता है, चल जाता है काम, बट उसका ढक्कन लगाने में ना काफी मुश्किल आती है, लाइक एकदम से टाइट नहीं होता। ये बड़ा मजेदार है, बस इसको प्रेस करो, खुल गया, रखो, डन, बस इतना ही। तो इसलिए ये वाला लिया है, 9 का सेट है, डिफरेंट शेप का, और इसको पैक कर देते हैं।
जब मैं वहां पे ऑर्गेनाइज करूंगी तो आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। आप लोग भी इंस्टाग्राम पे ना अगर पैंट्री ऑर्गेनाइज करी हुई है आपने तो मुझे पिक्चर्स या फिर कुछ भी टिप्स आपको लगता है कि यूजफुल होगा तो मेरे साथ जरूर शेयर करना। सबसे पहला काम नए घर में मैं किचन को ही अच्छे से सेट करने वाली हूँ और स्टार्टिंग में ही लाइक ऑर्गेनाइज कर दूंगी, क्योंकि फिर वो बाद में सोचो ना तो वो बाद कभी नहीं आता। नेक्स्ट, ये भी मैंने कॉस्को से ही लिया है। ये इस तरह के कंटेनर्स हैं, इसको आप फ्रिज में भी यूज कर सकते हो स्टोर करने के लिए या फिर स्नैक्स स्टोर करने के लिए, ये बहुत सही है। तो जो भी चटर मटर हम लेके आते हैं वो पैकेट करके या फिर जिपलॉक बैग में डाल के या फिर बच्चों के स्नैक्स हैं वो सब इसमें स्टोर करने के लिए काफी अच्छा है। ऑयल के कंटेनर्स एंड ऑल भी रख सकते हैं, तो काफी वर्सेटाइल यूज हो सकता है इसका। फ्रिज में भी यूज कर सकते हैं, पैंट्री में भी यूज कर सकते हैं। और डॉलर स्टोर से मैंने ये बैम्बू सर्विंग बोर्ड लिया है, ये अमेजोन पे भी अवेलेबल है और आजकल ये बहुत ज्यादा ट्रेंड में है। ये लाइक आप सर्विंग के जैसे भी यूज कर सकते हो, जैसे यहाँ पे चीज एंड ऑल, या फिर बच्चों को स्नैक्स देना, या फिर जो हम टिक्की, आलू टिक्की, पनीर टिक्की, डिफरेंट टाइप ऑफ जो कबाब्स बनाते हैं वो सब सर्व कर सकते हैं, या फिर चॉपिंग बोर्ड के जैसे यूज कर सकते हैं, या फिर डेकोर में यूज कर सकते हैं। आप अगर चॉपिंग बोर्ड डेकोर सर्च करोगे ना, आपको इतने अमेजिंग डेकोर के आइडियाज मिलेंगे ना, बस मजा ही आ जाता है, वही अर्थली फीलिंग आती है। और अभी का जो टाइम है ना, विंटर फॉल, इस टाइम पे इस तरह का डेकोर बहुत अच्छा लगता है। इसके ऊपर छोटा सा एक वास रखो, अच्छे से जो आजकल ड्राई ग्रासेस आते हैं ना उससे डेकोरेट करो। अभी जैसे हैलोवीन का टाइम आ रहा है, फॉल है, तो छोटा सा एक पम्पकिन रख दो, कैंडल रख दो, शाम को कैंडल जला लो, अच्छा सा लगता है। आप डाइनिंग टेबल पे भी रख सकते हो, किचन आइलैंड पे, कॉफी टेबल पे, कहीं पे भी इससे डेकोरेट कर सकते हो, बहुत स्टाइलिश लगता है। इनफैक्ट किचन काउंटर पे भी ना लाइक ऐसे ही पीछे अपने लगा के रख दिया, इसके ऊपर से छोटे छोटे बोर्ड से अरेंज कर दिया, बहुत डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं, बहुत अमेजिंग ट्रेंड है अभी के डेकोर का। आप सर्च करना, आपको मिलेगा, देखने में भी बहुत ज्यादा मजा आता है, मुझे तो बहुत ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है इस तरह के डेकोर वीडियोस देखने का। और थोड़ी बहुत मैंने चीजें ली हैं डॉलर स्टोर से, छोटी छोटी होम डेकोर की मिल गई तो मैंने ले लिया। सेम वुड कलर है तो मैं ये चीज फॉलो कर रही हूँ कि जितना ज्यादा मैं ये वुड कलर में चीजें ले सकूं। होम इज एनी फोर वॉल्स दैट एनक्लोज द राइट पीपल। अभी डॉलर स्टोर में हर जगह थैंक्स गिविंग और फॉल, इसी सब का डेकोर चल रहा है ना। थैंकफुल फॉर अ हाउस फुल ऑफ द लव्स ऑफ माई लाइफ। और देखो मुझे क्या मिला, हमारे चैनल का नाम हैप्पी होम। ये तो मुझे लेना ही था, जैसे ही मैंने देखा मैंने कहा उठा लो फटाफट से, हैप्पी लाइफ हम अपने आप सोच लेंगे, बट हैप्पी होम तो मिल गया। लव बिल्ड्स अ हैप्पी होम। और ये सारा कुछ एक दूसरे से मैच कर रहा है, वही वुडन कलर का फ्लो चल रहा है तो अच्छा लगेगा। और ये छोटा सा क्राफ्ट बॉक्स स्टोरेज लिया है मैंने, येशा के लिए बहुत यूजफुल रहेगा ये, वो जो बीड्स यूज करती है या फिर जो रबर बैंड्स होते हैं उसके ब्रेसलेट बनाने के, वो सब स्टोर करने के लिए बहुत सही रहेगा, तो मेनली मैंने उसी के लिए लिया है। या फिर कोई सिलाई कढ़ाई करता हो तो बहुत अच्छी चीज है ये, बटन्स रख लो, एक में धागा रख लो, सुई रख लो, डिफरेंट डिजाइन के जो डिफरेंट बीड्स और बटन्स होते हैं वो सब रख सकते हैं। अरे वाह, ये तो मैंने देखा ही नहीं था, इसको आप अपने तरीके से ऑर्गेनाइज कर सकते हो। अगर बड़ा सा कुछ रखना है तो इसको हटा दो, नहीं तो लगा दो, सही है। बस यही थी मेरी शॉपिंग किचन ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। आगे आगे जो भी छोटी छोटी चीजें लूंगी आप लोगों के साथ जरूर शेयर करूंगी। और होम डेकोर से रिलेटेड कुछ चीजें तो ली है मैंने, लाइक साइड टेबल, मिरर, बट होम डेकोर में मैं बहुत सारे DIYs भी करने वाली हूँ, इसलिए वो अभी शेयर नहीं करती हूँ, बहुत थोड़ा सा ही है, अभी प्लानिंग ही चल रही है और अभी तो मेरे पास कुछ करने का टाइम नहीं है। मेरा इतना बिजी शेड्यूल चल रहा है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, लाइक ऑफिस केयूष का ये क्रेजी वाला टाइमिंग, कभी मैं वर्क फ्रॉम होम ले रही हूँ, कभी अनुज ले रहे हैं, बहुत ही ज्यादा क्रेजी है। ऊपर से पैकिंग, फिर लॉयर्स एंड ऑल, लाइक पेपर वर्क एंड ऑल होता रहता है क्योंकि दिन पास आ रहे हैं, बस नेक्स्ट वीक ही कीज मिलने वाली है, कुछ ही दिन बाकी रह गए, तो जस्ट टू मच हो गया है। मेरी आंखें इतनी अभी भी शायद आपको लगे कि इतनी भारी है, मतलब जो भी मिल रहा है ना मुझसे बोल रहे, तो मेरी आंखों में क्या हो गया, सो नहीं रही हो गया, तो या सो तो रही हूँ बट पता नहीं नींद पूरी नहीं हो रही है या फिर दिमाग में इतनी सारी चीजें चल रही है ना,
तो इसीलिए वीडियोस भी रेगुलर नहीं आ पा रहे हैं, और आप लोग के कमेंट्स के भी रिप्लाई ज़्यादा मैं नहीं कर पा रही हूँ, इंस्टाग्राम और ईमेल्स एंड ऑल मैं ज़्यादा अभी चेक नहीं कर पा रही हूँ, आई एम सो सॉरी। और मुझे पता है जो लोग मुझे सच में अपना दोस्त मानते हैं ना, वो कभी बुरा नहीं मानेंगे, वो समझेंगे कि हाँ अभी सुची की बहुत बुरी हालत है। तो बस इतने बिजी शेड्यूल में ट्राई करती हूँ कि इस तरह से चीज़ों को आप लोगों के साथ शेयर करूँ, क्योंकि मेरे लिए भी ये सारी मेमोरीज हैं। मैं भी आगे जाके जब देखूँगी कि घर लिया था तो ये किया था वो किया था, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर छोटी चीज़ को कैमरा में कैप्चर कर सकूँ। हमेशा पॉसिबल नहीं हो पाता, बट कोशिश जारी रहती है। ऊपर से वेदर भी ठंडा ठंडा हो गया है, तो स्वेटर से नॉल निकलने लगे। तो चलिए मैं आपसे मिलूंगी बहुत जल्दी, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ गुड गुड मेमोरी, प्यारे प्यारे हैप्पी होम वाले मेमोरीज। बाय बाय। Fell in love with the way we are and the way we lose it.